जी मुलायम सिंह यादव जी, आज उनकी पहली पुण्यतिथि है और पहला एक हिस्सा था कि आईजीएम में फल बांटना, खाना बांटना। वैसे आईजीएम में हर दिन 100 लोगों को खाना बांटा जाता है, लेकिन आज एक विशेष दिन है, इसलिए हर पेशेंट रिलेटिव को कुछ ना कुछ हम हमारी तरफ से करें। एक इंसिडेंट है, यहाँ पर एक लड़का इंक्वायरी जो पर्ची का काउंटर है वहाँ पे खड़े रहकर 10 रुपया कलेक्ट कर रहा था। शासन निर्णय ये हुआ है कि अब से पर्ची का 10 रुपया नहीं कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन ये कलेक्ट कर रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण है, हमने वो इमीडिएटली उसको शांतिनगर पुलिस को हैंडओवर किया है। अब उसकी इंक्वायरी होगी कहाँ से आया, कौन लगाया, क्या हुआ, वो पुलिस देखेगी और प्रशासन देखेगा। भिवंडी शहर के जाने माने दिल्ली दरबार ढाबे के 3 डिशेस लोगों में काफी ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। गावटी हंडी, अरेबियन डिश मटन एंड चिकन राइस मंडी और मटन चाप तंदूरी, ये तीनों ही अपने लजीज जायके और यूनिकनेस की वजह से ढाबे पर आने वालों की पहली पसंद बन रहे हैं। अगर आप भी यहाँ आए तो इन डिशेस को जरूर ट्राई करें। सबसे पहले तो मैं, लेकिन आज जो जिस रीज़न से, जिस मकसद से हम लोग यहाँ आए हैं, वो मकसद बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, आज उनकी पहली पुण्यतिथि है, तो आज सुबह से पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और पहला एक हिस्सा था कि आईजीएम में फल बांटना, खाना बांटना। वैसे आईजीएम में हर दिन 100 लोगों को खाना बांटा जाता है, लेकिन आज एक विशेष दिन है, इसलिए हर पेशेंट रिलेटिव को कुछ ना कुछ हम हमारी तरफ से करें। उसके लिए आज मैं, अजय यादव जी, सुरेश पाटी जी, सुफियान चाचा, मुंशी जी, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। शाम में भी कार्यक्रम है, पूरे महाराष्ट्र में कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज ये नेताजी के विचार, नेताजी का देश के लिए जो योगदान है, हिंदी भाषा के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उर्दू भाषा के लिए और गोर गरीब जितने ओबीसी है, आज हम सब सम्मान्य आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरे देश में आज बात हो रही है ओबीसी सेंसस की, लेकिन नेताजी तब बात करते थे पार्लियामेंट में जब किसी का ध्यान नहीं था। अगर आज 2001 में जब सेंसस हो रहा था तभी कास्ट सेंसस किया गया होता तो आज देश में जो पिछड़ा वर्ग है उसके साथ इतना अन्याय नहीं होता। आज उसके हम लोग आए हैं। दूसरा, आईजीएम में जब भी आते हैं तो हम कोशिश करते हैं राउंड्स लें, परिजनों से मिले, पेशेंट से मिले। एक इंसिडेंट है, यहाँ पर एक लड़का इंक्वायरी जो पर्ची का काउंटर है वहाँ पे खड़े रहकर 10 रुपया कलेक्ट कर रहा था। शासन निर्णय ये हुआ है कि अब से पर्ची का 10 रुपया नहीं कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन ये कलेक्ट कर रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण है, हमने वो इमीडिएटली उसको शांतिनगर पुलिस को हैंडओवर किया है। अब उसकी इंक्वायरी होगी कहाँ से आया, कौन लगाया, क्या हुआ, वो पुलिस देखेगी और प्रशासन देखेगा। लेकिन यहाँ पर सुविधाओं की कमी के बारे में 4 वर्ष से हमेशा असेंबली में मैंने कहा है, अभी भी 200 बेड का प्रस्ताव, 22 करोड़ का प्रस्ताव, 200 बेड के लिए स्टाफ का प्रस्ताव, यहाँ पे हर तरह का जो है ऑपरेशन हो, ऐसी सुविधाओं का प्रस्ताव फाइनल स्टेज पे सरकार के पास है। कल मैंने देखा कि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बजट बढ़ाएंगे, स्टाफ रिक्रूट करेंगे। एक्चुअली सरकार चाहे किसी की भी हो, हेल्थ के बारे में उदासीन है, 10,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली है, पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट की हालत ख़राब है, आईजीएम फिर भी तरक्की की तरफ जा रहा है। आप देखिए कलवा में क्या हुआ। सरकार से हमारी मांग, लड़ाई हमेशा आईजीएम के लिए चालू है और थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हमको बहुत आगे जाना है। मैं ये चाह रहा था कि आईजीएम और आईजीएम के बाजू में ये जो जगह है, जो महानगर पालिका की है, जिसमें एक बहुत ही खस्ता हालत बिल्डिंग है, यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड केयर जो शासन ने, मैं जब 2020 में दिल्ली गया था
तभी सैंक्शन किया था और 59 करोड़ दिया था, ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे हो। मैं कंसिस्टेंटली कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए आज मैं यहाँ फिर एक बार जी यहाँ पर हमारी तरफ से 3 वाटर कूलर्स प्रोवाइड किए गए थे हमारे संस्था की तरफ से, लेकिन मैं आके देखा तो वो भी नहीं काम कर रहे, तो मैंने अभी हमारे ही लोगों को कहा कि जो भी रिपेयर करना हम लोग करेंगे। उद्देश्य क्या है, हमारी तरफ से हर दिन 100 लोगों का खाना आता है, 3 वाटर कूलर की ज़रूरत थी, इमीजिएटली दे दिए, लेकिन आज आके देखता हूँ तो तीनों नहीं काम कर रहे। तो यहाँ पे पब्लिक से भी मेरी अपील है कि यहाँ पर साफ़ सफाई रखनी पहले ही मुश्किल है, अगर आप यहाँ पे आके थूकेंगे, गंदगी करेंगे, कचरा छोड़ेंगे, वाटर कूलर को तोड़ देंगे, तो बदलाव कैसे आएगा। भिवंडी की आवाम से अपील कर है मेरी, ये गोर गरीबों का संस्था है, गरीब लोग यहाँ आते हैं, सब लोग इसका ध्यान रखें, यही मैं अपील।